लाइक कर दें। और मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पूरा शुरू से लास्ट तक देखें। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा इंजन बनाने के ऊपर है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक एंगल ग्राइंडर का व्हील चाहिए, और इस व्हील को कसने के लिए हमें ये 11 नंबर के बोल्ट चाहिए, इसकी धिमरी चाहिए और ये बासल चाहिए, और हमें एक स्प्रिंग चाहिए। ये DVD की स्प्रिंग है जिसमें लोडर ऊपर नीचे होता है, लेंस वाली मशीन जो होती है। और हमें एक 608 नंबर की बेयरिंग चाहिए। सबसे पहले हमें इस इंजन का पिस्टन बना लेना है, जिसमें आगे जो लगी हुई है ये एम सील है, और ये रॉड जो दिख रही है साइकिल का तान जो होता है वो साइकिल का तान है। अब इसमें आगे हमारे पिस्टन हो गया, और बीच में कनेक्टर रॉड जो होती है वो हो गई, और ये हमारा ये स्विच का पॉइंट है, ये जो लगता है स्विच में, ये हमारा इसमें ब्लास्ट का काम करेगा। और हमने इसमें जो लाइनर जो बनाया है, ये एक सिरिंज का लाइनर है, ये पिस्टन इसमें इस तरीका से चलेगा। और यहाँ हमने पहले ही सूरा करके यहाँ एक बोल्ट लगा रखा है, 8 नंबर का बोल्ट है, और यहाँ आगे सुराख है इसमें, जहां से हमारे इसमें एयर और स्टीम जाएगी। इसके लिए हमें एक लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, और इसमें ये टुकड़ा जो लगा हुआ है प्लाई बोर्ड का लगा हुआ है, ये भी प्लाई बोर्ड का टुकड़ा है, जिसमें इस तरीका से फिट हो जाएगा और ये इस तरीका से चलेगा इसमें। तो इसमें हम सबसे पहले इस बैरिंग को इसमें लगा लेंगे। अब इस लकड़ी में हमने ये बैरिंग फिट कर ली है। इसमें ये लकड़ी जो लगाई है हमने 6.5 इंची की लकड़ी है, और यहाँ इसकी लंबाई जो है ये 2.5 इंची के करीब है। और इसके लिए हमें एक कैमशाफ्ट के लिए एक पत्ती चाहिए जो कि 1 इंची की है। अब इस पत्ती में हमें 11 नंबर का बोल्ट यहाँ फिट कर लेना है, और इसमें बासल लगा के ये कस देना है।
अब इसकी ये शाफ्ट तैयार हो गई है, इसमें यहाँ भील पीछे लगा लेंगे हम। यहाँ हमें एक और डिमरी लगा देनी है और इसमें एक ये बासर लगा देना है और ये भील इस पर रख देना है और ये एक बासर इसके ऊपर लगा देना है। इसका ये बोल्ट यहाँ कस जाएगा। अब इसका ये भील तैयार हो गया है। अब इसके लाइनर और पिस्टन को हमें इसमें सेट कर देना है और इसकी शाफ्ट इसमें लगा देनी है। अब ये हमारा इस तरीका से चलेगा। अब इसका हमारे पिस्टन जो है टॉप पर आएगा, यहाँ टॉप से थोड़ा नीचे जहाँ आएगा तब हमें इस पोजीशन में यहाँ एक हॉल कर लेना है। अब इसमें जो हॉल करना है, ये लकड़ी और ये दोनों लकड़ी जो लगी हुई है और इंजेक्शन, इन तीनों में एक साथ करना है हमने इस तरीका से। यहाँ इसमें पार हॉल कर लिया है जो कि यहाँ से स्टीम और हवा आएगी, आने पर ये पिस्टन यहाँ नीचे ढकल जाएगा। और इसके ये एग्जॉस्ट के लिए हमने एक कट लगा दिया है। यहाँ से इसके जैसे पिस्टन ऊपर आएगा तो यहाँ से इसकी गैस निकल जाएगी, यहाँ से गैस इसकी आएगी तो पिस्टन नीचे जाएगा, जब ऊपर आएगा तो यहाँ से इसकी निकल जाएगी बाहर। ये एग्जॉस्ट के लिए ये इनपुट हो गया या आउटपुट हो गया। ये इंजन जो है स्टीम से भी चलेगा और एयर से भी चलेगा। और ये स्प्रिंग का काम जो है इसको दबाए रखने के लिए है। जैसे हमारे पिस्टन यहाँ ऊपर आ गए, ये टॉप पर इस टाइम, और यहाँ से हमारी इसमें गैस आई, स्टीम गैस या एयर, तो हमारे पिस्टन यहाँ से नीचे आ गया और नीचे आने का यहाँ ऊपर आएगा तो हमारा एग्जॉस्ट का जो हॉल है उसमें से गैस बाहर निकल जाएगी। अब जितना हमारा इंजन बन के तैयार होगा इसको चेक करके देखते हैं, इसके बाद में हमें इसकी बॉडी बना लेनी है। Thank you.